इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। SBI का ग्राहक सेवा केंद्र ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के लिए खोला गया, लेकिन कुनकुरी में एक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक कई ग्राहकों के लाखों रुपए अंगूठे के दम पर निकाला और अब फरार भी हो गया। ठगे गए ग्राहक अब थाने के चक्कर काट रहे हैं। भारत में सबसे विश्वसनीय बैंकों में एक स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को पैसे के लेन देन की सुविधा देने के लिए जगह जगह ग्राहक सेवा केंद्र खोला है। आपको हम एक ऐसा ही सेवा केंद्र ले चलते हैं जहां ग्राहकों के अंगूठे लेकर उनकी खून पसीने की कमाई छीन लिया गया। ये कुनकुरी शहर के बाजार डांड का वह ग्राहक सेवा केंद्र है जहाँ SBI के ऐसे खाता धारक जो रेहड़ी मजदूरी कर अपनी कमाई अंगूठा लगाकर संचालक संदीप यादव के पास जमा करते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से अंगूठा लगाकर पैसे निकालते रहे। कम पढ़े लिखे कई तो अनपढ़ जिनको ये बोलकर कि अंगूठा सही नहीं लगा है, किसी से दो बार अंगूठा लगवाए तो किसी से तीन बार, ग्राहकों को उनके मांगे पैसे दे देता है और बाकी के अंगूठे का उपयोग अपने मन माने पैसे निकालने के लिए करता है। ये गोरख धंधा कई दिनों से चल रहा था। जब इस गोरख धंधे का भांडा फूटा तो संदीप यादव अपनी दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया। अब लूट चुके गरीब लोग SBI बैंक मैनेजर के पास शिकायत किए हैं। वहीं कुनकुरी थाने में भी इसकी शिकायत कर पैसे दिलाने की मांग कर रहे हैं। बैंक मैनेजर ललित गुप्ता ने स्वीकार किया कि हमारी सेवा केंद्र के संचालक ने गड़बड़ी की है जिसकी ID हटा दी गई है। वहीं कुनकुरी पुलिस भी शिकायत पर जांच शुरू करने की बात कह रही है। खाता ओपनिंग करना है, पैसे जमा करने हैं, पैसे निकालने हैं, तो उसमें किसमें फीस देना पड़ता है कस्टमर को? जो भी सेवा वो लोग देते हैं, कैश जमा करना, कैश निकासी, नया खाता खोलना, उसमें संबंधित वहाँ चार्ट लगे हुए हैं। जो भी कियोस्क सेंटर है, हमने वहाँ सर्विस चार्ट लगवाया है, उसके तहत ही पैसे उनको देने हैं। जो भी चीज़ें वो चार्ट प्रॉपर सर्विस का वहाँ पे लगी हुई रहती है। हम भी मंथली विजिट करते हैं और वहाँ स्पीकर भी लगा हुआ रहता है जो उनके लेन देन करते हैं। उस स्पीकर में ये चीज़ बोल के बताया जाता है कि आपके खाते से इतना पैसा आहरण हो रहा है, कृपया कंफर्म करें। मतलब उनसे संबंधित जानकारी उनको दी जाती है। फिर भी लोग जो है, मतलब अगर तुरंत अवेयर होना चाहिए कि तुरंत बताना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा संबंधित पैसा निकल रहा है तो लोगों को वहीं पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। बाकी हम देख रहे हैं इस कंप्लेंट को, एक समराइज करके इनके जो BC हैं उनको भेजा गया है पहले भी, और अभी भी मैं सूचित कर रहा हूँ। सर, थाने में जो है हीर मणि बघेल नावाटोली कुनकुरी की है तथा अन्य महिलाएं ललिता जानकी लोग उपस्थित आकर के हर शिकायत दर्ज कराए हैं कि संदीप यादव ग्राहक सेवा केंद्र कुनकुरी में खोला था और उसी के माध्यम से इन लोग अपने SBI बैंक के खाता का पैसे का लेन देन करते रहे हैं। बीच में पैसा इन लोग निकाले थे 5,000-10,000 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में जब इनको अभी पैसे का जरूरत पड़ा और इन लोग गए तो उसका दुकान बंद था। बैंक जा कर के जब इन लोगों ने अपने खाता के बारे में जानकारी ली तो वहाँ से पता चला कि इनके खाता में पैसा शेष नहीं है, 1-2 हज़ार है किसी के खाता में। संदीप यादव के द्वारा इन लोगों का जो रकम निकलवाया गया उससे ज़्यादा रकम निकाल करके धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत किए हैं। इस संबंध में अनावेदक पक्ष अभी उपस्थित नहीं मिला है, इससे पूछताछ नहीं की जा सकी है। बैंक प्रबंधक गुप्ता सर हैं, उनको बुला करके और जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 3 के अलावा और भी लोग हैं जिनका पैसा संदीप यादव के द्वारा गलत तरीके से निकाल लिया गया है बताया जा रहा है। शिकायत जो मिली है उसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, बैंक वाले क्यों शिकायत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? बैंक प्रबंधक ने बताया कि अभी जो कंपनी जिसके थ्रू संदीप यादव ये सब काम कर रहा था उस कंपनी को जानकारी भेजी गई है और इनका पैसा भी वापस दिलाया जाएगा, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। बैंक उस कंपनी के माध्यम से FIR कराएंगे ऐसा बताएं।